वेलकम एवरीबडी इन दिस सेशन वी विल कंटिन्यू चैप्टर इलेवन द एम सी सी दिस इज़ फ्रॉम द बुक मलबेरी सो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कंप्लीटली यू नीड टू वॉच पार्ट वन फर्स्ट इट इज़ ऑलरेडी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन वॉच दिस पार्ट टू सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर तो इन पार्ट फर्स्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था सो दिस लेटर वेंट एज इट वॉज अब हमें यहाँ से रीड करना है आफ्टर दिस एक्सेप्टिंग सो आफ्टर दिस एक्सेप्टिंग वर्क एक्सेक्टिंग का मीनिंग होता है रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो आप सब जानते हो कि कैसे उन्होंने लेटर लिखने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी बिकॉज किसी को स्पेलिंग मिस्टेक में प्रॉब्लम थी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लेटर कैसे लिखना है तो इसलिए इस चीज़ को उन्होंने एक्सेक्टिंग में लिखा है कि इस काम में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी दे वर रेस्टिंग विद द फीलिंग ऑफ रिलीफ तो वो जो तीनों फ्रेंड्स थे तीनों फ्रेंड्स बड़े आराम से रेस्ट कर रहे थे कि हाँ अब हमने लेटर लिख लिया अब टेंशन ख़त्म द पोस्टमैन ब्रॉट अ कार्ड फॉर रानझम और उसके बाद फिर क्या आया एक और कार्ड आया रानझम के लिए रानझम रीड इट एंड क्राइड रझम इसको पढ़ता है और चिल्लाता है कहता है गैस हु हैज रिटर्न दिस वो कहता है गैस करो किसने लिखा है तो तीनों फ्रेंड में से किसी एक की आवाज आती है बिन्स ने फिर रंजम कहता है सिली इट मस्ट फिर दूसरा पर्सन कहता है दूसरा जो फ्रेंड होता है वो कहता है सिली इट मस्ट बी आवर हेड मास्टर शायद ये हमारे हेड मास्टर होंगे मतलब हमारे प्रिंसिपल होंगे समबडी जेबी हॉब्स वो कहता है किसका जेबी हॉब्स वो कहता है नो इट इज़ फ्रॉम शंकर अब जे बी होप्स मैं आपको बता दूँ कौन है एंड इंग्लिश क्रिकेटर रिगार्डेड एज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट तो ये एटीन एटी टू से लेकर 1963 सिक्सटी थ्री तक एक इंग्लिश क्रिकेटर थे और वो बहुत अच्छे बैट्समैन रह चुके हैं फिर वो कहता है uh, जो रानजम होता है वो कहता है इट इज़ फ्रॉम शंकर वो कहता है कि इस uh, शंकर की तरफ से है रान अनाउंस जॉयफुली बहुत खुशी से वो बताता है शंकर वी हैड ऑलमोस्ट फॉर गॉटन दैट ओल्ड थीफ वो कहता है शंकर कि हम तो बिल्कुल ही उसको भूल चुके थे बिल्कुल ही पूरी तरीके से स्वामीनाथन एंड मनी टोर द कार्ड फ्रॉम रानजम्स हैड एंड रीड और जो स्वामीनाथन होते हैं और जो मनी जो दूसरा फ्रेंड होता है वो दोनों फटाफट से उसके हाथ से उस कार्ड को खींच लेते हैं टोर मीन्स ऐसे छीन लेते हैं और पढ़ते हैं और उसमें क्या लिखा होता है माय डियर फ्रेंड आई एम स्टडिंग हेयर बिकॉज माय फादर केम हियर हेयर वो कहते है मैं यहाँ इसलिए पढ़ रहा हूँ बिकॉज मेरे फादर इधर आए माय मदर इज़ आल्सो हेयर मेरी मम्मी भी यहाँ पे आई ऑल ऑफ अस आर हेयर हम सब यहाँ पे आए एंड वी विल बी ओनली हेयर एंड वी विल बी ओनली हेयर हम यहीं है आई एम डूइंग वेल मैं बहुत अच्छा मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं आशा करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे इट इज़ वेरी हॉट हेयर यहाँ बहुत गर्मी है आई हैड फीवर फॉर थ्री डेज एंड ड्रांक मेडिसिन और मेरे मुझे तीन दिन तक बुखार रहा और मैंने मेडिसिन पी थी आई होप आई विल रीड वेल एंड पास द एग्ज़ामिनेशन वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं अच्छे से पढूंगा और एग्जाम uh, में पास हो जाऊंगा। इज स्वामी एंड मनी डूइंग वेल स्वामी और मनी अच्छे हैं इट इज़ वेरी हॉट हेयर यहाँ बहुत गर्मी है आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ आई कान ट्राई it मोर और अब मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता और फिर लास्ट में लिखा होता है विद रिगार्ड्स योर डियरेस्ट फ्रेंड शंकर पी एस डोंट फॉरगेट मी तो ये उसके उनके फ्रेंड की तरफ से होता है दे वर प्रोफाउंडली मूव्ड बाय दिस लेटर और वो बड़े मतलब प्रोफाउंडली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना एक तरीके से डीपली जैसे एक तरीके से कहेंगे बहुत उनको बहुत अच्छा फील होता है मूव्ड बाय दिस लेटर एंड डिसाइडेड टू रिप्लाई एट वंस और वो डिसाइड करते हैं कि वो भी इस लेटर का जवाब देंगे फ्री लेटर्स वर रेडी इन an आर तो एक घंटे के अंदर अंदर तीन लेटर रेडी हो जाते हैं तीन फ्रेंड्स होते हैं ना ये तो उन्होंने तीन अपने तीनों ने अपना अपना लेटर लिखा होता है तो अब देखो उन्होंने लेटर कैसे लिखा होता है मनी कॉपिड शंकर लेटर verbatim जो मनी होता है मनी शंकर का लेटर बिल्कुल कॉपी कर लेता है वर्बेटिम का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड कॉपी करना वर्ड बाय वर्ड कॉपी करना एक एक शब्द लेकर सेम उसका कॉपी करके लिख देता है एंड रंजम रोड नियरली सिमिलरली लेटर्स फोर फ्रेंड्स है ये तो सॉरी थ्री फ्रेंड्स ही हैं जो मनी होता है वो शंकर जिसके जहाँ से लेटर आया है जो उनके फ्रेंड का लेटर आया है उसी का ही लेटर सेम कॉपी कर लेता है मनी सेम वैसा सा ही लिखकर रख देता है और फिर स्वामीनाथन और जो रंजम थे वो दोनों रोट नियरली सिमिलर लेटर्स वो भी उसी के ही जैसा मिलता जुलता सा लेटर लिख देते हैं दे सेट दे वर डूइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो लिखते हैं कि हम भी बहुत अच्छे हैं भगवान की दुआ से दे होप्ड दैट शंकर वुड पास और वो होप करते हैं कि जो शंकर है वो पास हो जाए जिसने लेटर लिखा है कि वो पास हो जाए एंड ऑल्सो दैट ही वॉज डूइंग वेल और ये भी लिखते हैं कि वो काफ़ी अच्छा है देन दे सेड अ लॉट अबाउट देयर क्रिकेट टीम और उसके बाद वो अपनी क्रिकेट टीम के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं उसमें एंड होप दैट शंकर वुड बिकम अ अम्बर और वो ये आशा करते हैं कि जो शंकर है वो भी उनकी टीम का मेम्बर बन जाए दे ऑल्सो सेट दैट शंकर टीम माइट चैलेंज दैम टू अ मैच और वो ये भी लिखते हैं कि जो शंकर की टीम है शायद शंकर की टीम उनको चैलेंज कर सकती है मैच के लिए तो अब आप इसमें अभी तक इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो तीनों फ्रेंड्स थे मनी रंजम एंड स्वामीनाथन तीनों वैसे तो बहुत अच्छे थे ये बट तीनों को लेटर लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो उसमें क्या लिखें अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है द लेटर्स वर पुट इन टू अ स्टैम्प्ड एनवेलप अब जो लेटर होता है वो एक एनवेलप में जिस पर स्टैम्प ऑलरेडी लगी हुई है उस एनवलप में रखते हैं एंड द फ्लैप वॉज पेस्टेड और उसके ऊपर का जो फ्लैप होता है जिसको पेस्ट करा जाता है जिसको चिपकाया जाता है उसको चिपका देते हैं इट वॉज़ ओनली देन दैट दे फेल्ट द नीड ऑफ नोइंग शंकर द एड्रेस अब जब उन्होंने वो पेस्ट कर दिया एनवलप उसके बाद उनको ज़रूरत महसूस होती है कि उनको तो शंकर का एड्रेस भी चाहिए उसी एड्रेस पे तो वो उसको पहुँचाएंगे दे स्टार्ट दे सर्च ऑल पार्ट्स ऑफ कार्ड वो शंकर का जो कार्ड आया होता है उस कार्ड के सारी चीज़ें वो चेक कर लेते हैं नॉट अ वर्ड एनी वेयर कहीं पर एक भी शब्द नहीं होता है एड्रेस से रिलेटेड नॉट इवन द नेम ऑफ द टाउन ही वॉज राइटिंग फ्रॉम और इवन उस टाउन का भी नेम नहीं होता कि कौन से शहर से में वो बैठ के लिख रहा है दे ट्राई टू गेट दिस आउट ऑफ द पोस्टमार्क वो ट्राई करते हैं कि कौन से टाउन से आई हैं किस चीज किसकी हेल्प से वो ट्राई करते हैं ये पोस्ट मार्क की पोस्टमार्क पोस्ट मार्क कौन से टाउन का है बट अ डार्क कव स्मज ऑन द स्टैम्प कैन नॉट बी वेरी इल्यूमिनेटिंग लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्मज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुकड़न हो जाती है उस के स्टैंप के वजह से स्टैम्प पे और इस वजह से वो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा होता इल्यूमिनेटिंग मतलब वो इतना चमक नहीं रहा होता कि वो कौन से एरिए का स्टैम्प है यहाँ पे स्मज का देख लेते हैं मीनिंग एक बार टू बिकम मेसिली स्मियर्ड बाय रबिंग इट मतलब बहुत ज़्यादा मुड़ा टूड़ा हो जाता है लाइक मिटा, मिटा सा हो जाता है द ब्लड पोस्टर स्टैम और ब्लड मतलब धुंधली सी मुड़ी टूड़ी सी पुरानी सी जो हो जाती है वैसा और इल्यूमिनेटिंग का मतलब हेल्पिंग टू इन्फॉर्म और क्लैरिफाई मीन्स जो क्लियरली जो चीज़ दिखती है तो वो इल्यूमिनेटिंग नहीं होता क्लियरली समझ नहीं आ रहा होता द एम सी सी एंड इट्स ऑर्गेनाइजर्स हैड सॉलिड प्रूफ दैट देवर पर्सनस ऑफ काउंट तो जो एम सी सी होते हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनके पास अब सॉलिड प्रूफ होता है कि वो पर्सनस ऑफ काउंट है पर्सनस ऑफ काउंट मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइक like इम्पॉर्टेंट है भाई उनको लेटर आया है स्पेशली तो वो अपनी तारीफ में ये वाली बात बता रहे कि हम जो एम सी सी क्लब के जो मेम्बर्स हैं हम पर्सनस ऑफ काउंट है मतलब हम हमारी सिग्निफिकेंस है ऑफ वर्थ और सिग्निफिकेंस हमारी बहुत इम्पॉर्टेंस है वैन अ लेटर फ्रॉम बिन्स केम एड्रेस टू द कैप्टन क्यों उनको फील होता है क्योंकि फिर एक और लेटर आता है और वो लेटर किसकी तरफ से आता है बिन्स की तरफ से आता है और वो किसके लिए आता है कैप्टन के लिए आता है क्लब के एम मालगुडी इट वॉज अ जॉय टचिंग दैट ब्यूटिफुल एनवलप एंड टर्निंग इट ओवर इन द हैंड अब जो ये दूसरे लेटर की बात हो रही है अब वो लेटर को टच करने में उसको उठाने में बड़ी उनको खुशी महसूस होती है I'm sorry उनको खुशी बहुत महसूस होती है बिन्स फॉर द फर्स्ट टू रिकोगनाइज द एम सी सी जो बिन्स थे बिन्स फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एम सी सी क्लब रिकोगनाइज किया था एंड रानजम टुका वो डैट ही वुड बाय एवरी बिट दैट हिज टीम नीडेड फॉर द डैट ग्रेट फॉर्म अब जो रंजम है रंजम कैप्टन uh, था अपनी टीम एम सी सी टीम का और उसने ये वो मतलब उसने ये मतलब बिल्कुल पक्का निश्चय कर रखा था कि जो जो उसकी टीम को चाहिए वो हर चीज उनको देगा अब देयर वर थ्री इम्प्लिकेशन इन दिस लेटर डैट फिल्ड रंजम एंड हिज फ्रेंड्स विद रैप्चर सो हेयर रैप्चर का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ इंटेंस प्लेजर और जॉय बहुत ज्यादा खुशी होना अब इस लेटर में तीन ऐसी चीजें थी जिनसे उनका दिल बिल्कुल खुशी से भर गया था फर्स्ट क्या थी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एज अ आंसर भी पूछा जाता है तो फर्स्ट क्या चीज़ थी दैट हिज मैजेस्टी पोस्ट ऑफिस रिकॉग्नाइज देयर टीम वॉज़ प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट द लेटर एड्रेस टू द कैप्टन वॉज प्रॉपर्टली डिलीवर टू हिम कि जो मैजेस्टी हैं जो पोस्ट हिज मैजेस्टीज़ पोस्ट ऑफिस कि मतलब जो यहाँ वहाँ का पोस्ट ऑफिस है वो अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करे ये चीज़ पता लगाए कि ये जो कैप्टन के पास ही जाए ये लेटर दैट सेकेंड पॉइंट ये है दैट दे वर रियली रिकोगनाइज बाय सच अ मैग्निफिशियंट फॉर्म एज बिन्स ऑफ मद्रास और उन लोगों को जो एम सी सी क्लब है एम सी सी क्लब को किसने पूछा बिन्स ने पूछा जो मद्रास बिन्स ऑफ मद्रास ने पूछा वॉज प्रूफ्ड बाय द फैक्ट दैट बिन्स केयर टू रिप्लाइड इन अ फुल लेटर एंड नॉट ऑन अ कार्ड एंड एक्चुअली टाइप द लेटर कि उन्होंने उनको इतना इम्पोर्टेंट समझा मतलब उन्होंने उनको यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीम ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इसमें कहेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए वो उनसे इतना उन्होंने उनको ख़ास समझा कि उन्होंने उनके लिए स्पेशली लेटर बनाया कार्ड नहीं बनाया पूरा एक लेटर बनाया और वो लेटर अच्छी तरीके से टाइप किया हुआ था बिन सेंट अंडर अनदर कवर कैरिंग फोर अनाज जो बिन्स थे उन्होंने एक और कवर था और उस कवर कवर में क्या रखा हुआ था फोर अनाज रखे हुए थे तो अनाज का मतलब होता है अ फॉर्मर मोनिट्री यूनिट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान तो पहले के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान में जो अब रुपीस यूज़ करते हैं हम पहले अनाज यूज़ करते थे ठीक है जो किसके इक्वल होते थे इक्वल टू वन सिक्सटीन अ रुपी एक रुपये के वन बाय सिक्सटीन्थ पार्ट होता था मतलब एक रुपये का सोलवा हिस्सा होता था वो सिक्सटींथ पार्ट ठीक है तो वो उन्होंने वो फोर अनाज रखे हुए थे उसमें पोस्टेज ह्यूज कैटलॉग व्हाट आर ट्रिब्यूट वो कहते हैं व्हाट आर ट्रिब्यूट कितनी लाइक like, कितनी uh, अच्छे तरीके का गिफ्ट है गिफ्ट गिवन एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट कितने इज्जत से उन्होंने कितने अच्छे से हमें दिया तो वो बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को देख के द लेटर इनफॉर्म्ड द कैप्टन दैट मिसर्स बिन्स थैंक हिम फॉर इज लेटर तो उन्होंने पहले लेटर लिखा होता है वही वाला तो उस लेटर के अब जवाब में उनको ये लेटर आता है बिन्स से नाओ जो ये लेटर होता है ये बिन्स से आया होता है मिसर्स से जिनको उन्होंने अभी पहले लेटर लिखा था सारी स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स मंगाने के लिए तो द लेटर इनफॉर्म दै द कैप्टन डैट मिसर्स बिन्स थैंकड हिम फॉर हिज लेटर तो उस लेटर में लिखा होता है कि जो मिसर्स बिन्स हैं उन्होंने लाइक वो थैंक यू करते हैं जो लेटर उन्होंने लिखा था uh, तीनों फ्रेंड्स ने मिल एंड वुड बी मच ओब्लाइज टू हिम इफ ही वुड काइंडली रेमिट ट्वेंटी फाइव परसेंट विद द ऑर्डर और उसमें वो लिखते हैं कि ही मच मच ऑब्लाइज ऑबलाइज का मीनिंग होता है बी इन डेप्थ और ग्रेटफुल लाइक उनको वो बहुत ज्यादा खुशी होगी इफ ही वुड काइंडली रेमिट रेमिट का मतलब होता है एक तरीके से वापस देना सेंड मनी या फिर इसको आप डिस्काउंट भी कह सकते हो ट्वेंटी फाइव परसेंट विद द ऑर्डर के जो ऑर्डर जितने रुपए का भी ऑर्डर उन्होंने दिया है उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट वो उनको वापस बच्चों को वो वापस दे देंगे एंड द बैलेंस कुड बी पेड अगेंस्ट द वी पी पी ऑफ द रेलवे रिसिप्ट और जो बाकी के पैसे होंगे वो वी पी पी ऑफ द रेलवे रिसिप्ट के थ्रू वापस वो जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो उससे दिया जाएगा अब वीपीपी का मतलब होता है सिमिलर टू कैश आफ्टर डिलीवरी लाइक डिलीवरी के बाद जो आप बाद में पैसे देते हो सीओडी जो आप देते हो वो चीज तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का वो उनको कैश बैक दे रहे थे एक तरीके से तो अब ये तो इनके फायदे वाली बात होती है अब थ्री हेड्स अब ये तीनों फ्रेंड्स ये पढ़ते हैं लेटर उसके बाद देखो क्या होता है थ्री हेड्स बर्स्ट ओवर द मीनिंग ऑफ दिस लेटर अब जो तीनों के तीनों जो होते हैं बर्स्ट का मतलब वो क्विकली एंड बिजिली विथ सम एक्साइटमेंट बस्ड मतलब बहुत ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट हो जाती है कि मतलब क्या है इस लेटर का बिकॉज उनको पूरी तरीके से वो लेटर समझ नहीं आया होता है द ट्रबल was दैट दे कुड नॉट understand वेदर बिन्स was गोइंग टू सेंड द गुड्स और नॉट क्योंकि उनको ये चीज़ में समझ आ रही होती कि जो बिन्स हैं क्या वो उनको सामान देने वाले भी हैं या नहीं जो भी उन्होंने सामान मंगाया है गुड्स मतलब जो भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स मंगाए थे वो बैट्स बॉल्स ये सारी चीज़ें तो मनी प्रोमिस टू अन ट्रेवल द लेटर इफ समबडी वुड टेल हिम वट ऑबलाइज अब जो मनी होता है वो प्रोमिस करता है अन का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर मीनिंग वो बता देगा इधर लिखा हुआ है मेक द मीनिंग क्लियर बिल्कुल क्लियर मीनिंग वो बता देगा अगर कोई उसको ओबलाइज्ड वर्ड का मतलब सही तरीके से बता दे बस उसको ओबलाइज का मतलब नहीं समझ आ रहा होता बाकी उसको सब वो कह रहा था बाकी सब वो समझा देगा When they turn the pages of a dictionary, फिर वो dictionary खोल के देखते हैं तीनों and offered him the meaning और उसको meaning बताते हैं money को he was none the wiser. He felt that it was a meaningless word. तो फिर वो उसको लगता है money को लगता है कि ये obliged तो बिल्कुल meaningless less word है इसका कोई मतलब ही नहीं है वन थिंग इज क्लियर सेड रानजम रानझम कहता है एक चीज तो क्लियर है बिन्स थैंक्स अस फॉर अवर लेटर कि बिन्स ने हमें थैंक यू कहा है हमारे लेटर के लिए सो आई डोंट थिंक दिस लेटर कुड मीन अ रिफ्यूजल तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये लेटर एक रिफ्यूजल है रिफ्यूजल मतलब कि वो मना कर रहा है गुड्स देने के लिए सप्लाई अस गुड्स मीन्स गुड्स देने के लिए उसने किसी तरीके से मना करा है बिकॉज उसने उसमें थैंक यू लिखा है स्वामीनाथन एग्रीड विद हिम स्वामीनाथन भी मान जाता है उसकी बात कहता है हाँ ठीक कह रहे हो दैट इज़ राइट इफ़ यू डिड नॉट विश टू सप्लाई यू विद थिंग्स अगर वो नहीं चाहता कि वो तुम्हें सामान दे वुड वुड ही थैंक यू तो वो क्या तुम्हें थैंक यू बोलता ही वुड हैव एब्यूज यू वो अब्यूज करता तुम्हें मतलब उल्टा सीधा बोलता तुम्हें ही सिंक्रिडनाइज इसका मतलब होता है एग्जामंड और इंस्पेक्टेड क्लोजली थ्रू ली अच्छे तरीके से वो और लेटर को देखते हैं अच्छी तरीके से उसको चेक करते हैं द लेटर अगेन टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मिस्टेक अबाउट द थैंग्स वो अच्छे तरीके से लेटर को फिर से चेक करते हैं देखते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है उनसे पढ़ने में वाई हैज़ द फूल यूज दिस वर्ड वो कहते हैं कि उस फूल ने ये वर्ड क्यों यूज़ करा है ओब्लाइज मनी आस्ट मनी पूछता है रिफरिंग टू ओब्लाइज ओब्लाइज्ड वर्ड को लेकर बोलता है फिर उसने ये वर्ड का क्यों यूज़ किया है क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं पता है इस वर्ड का मतलब क्या होता है ओब्लाइज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे ये मेरी ग्रेटफुली हम अच्छे तरीके से फॉर्मली इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि मुझे बहुत खुशी होगी ये काम करने में कु नॉट प्रोनाउंस अब जो मनी होता है मनी से ये वाला वर्ड प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा होता है वो उस वर्ड को ठीक तरीके से बोल भी नहीं पा रहा होता है इट हैज नो मीनिंग वो कहता है इसका कोई मतलब नहीं है इज ही ट्राइंग टू मेक फन ऑफ अस क्या वो हमारा मजाक उड़ाने का कोशिश कर रहा है वो बोलता है मनी He says something about twenty percent. I wish I knew what it was. Said Ranjam. Ranjam कहता है उसने कुछ twenty five percent के बारे में बात करी थी. मैं wish करूँगा कि शायद मुझे पता होता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है. Swami Nathan could hardly contain himself. Uh, I say Ranjam. I am surprised that you cannot understand this letter. You got sixty percent in the last examination. अब स्वामीनाथन तो बिल्कुल ही चुप और वो कहता है कि रांझा मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि तुमको तो लास्ट एग्जामिनेशन में सिक्सटी परसेंट मिले थे और तब भी तुम्हें लेटर नहीं समझ आ रहा है कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है हैव यू एनी सेंस वट हैज दैट टू डू विद दिस तो वो रांझम कहता है कि तुम में कोई दिमाग नाम की चीज़ भी है इस लेटर का उससे क्या मतलब है इवन आप बी ए कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लेटर वो कहता है कि इवन कोई जो जिसने बी ए कर रखी है बी ए मतलब ग्रेजुएशन तो जिसने बी ए कर रखी है वो भी इस लेटर को नहीं समझ सकता इन द एंड दे केम टू द कंक्लूजन दैट द लेटर वॉज सेंड टू देम बाय मिस्टेक एंड में वो इस कॉन्क्लूजन पे आते हैं कॉन्क्लूजन मतलब इस लास्ट रिजल्ट पे आते हैं इस लास्ट लास्ट निर्णय लेते हैं के ये जो लेटर है वो उनको बाई मिस्टेक सेंड हुआ है उन्होंने गलती से किसी और को भेजना था और उन्हें चला गया है एज फार एज दे कुड सी द एम सी सी हैड रिटर्न नथिंग इन देयर प्रीवियस लेटर टू वॉरेंट और वो ये भी देखते हैं वो ये भी देख सकते थे कि द एम सी सी हैड रिटर्न नथिंग इन देयर प्रीवियस लेटर टू वॉरेंट कि जो एम सी सी थे उन्होंने जो इन्होंने पहले लेटर लिखा था तीनों ने मिलके उन्होंने कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा था जो वारंट करता हो वारंट का मतलब होता है अम, डिजर्व करता हो कि मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा था जो इस जो उस पर्सन ने ये जो वर्ड लिखा था ना सच एक्सप्रेशन एज ओब्लाइज रेमिट एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट तो वो इस चीज़ से कंक्लूड करता है इस चीज़ से पता लगा था कि इन्होंने ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं था लेटर में कि उसको ऐसा लिखना पड़े कि मैं ओब्लाइज्ड वर्ड का यूज़ करना पड़े या कुछ ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट का यूज़ करें तो वो इन शब्दों को देख के कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि उन्हें लेटर समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसमें लिखा क्या है इट कुड नॉट बी दैट द ग्रेट फॉर्म ऑफ बिन्स फॉज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ दैम वो कहते हैं कि ये तो सही नहीं होगा कि बिन्स इतनी बड़ी जो बिन्स कंपनी है ये कि वो किसी का मजाक उड़ा है स्वामीनाथन पॉइंटेड आउट टू द कैप्टन एम सी सी एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर अब स्वामीनाथन पॉइंट आउट करके देख करके बोलते हैं कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है टू द कैप्टन एम सी सी उसमें लिखा हुआ था कि वो किसके लिए है वो लेटर कैप्टन के लिए है एम सी सी क्लब के लिए बट इट ही वॉज टोल्ड दैट इट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मिस्टेक लेकिन स्वामीनाथन को ये जवाब दे दिया जाता है कि शायद ये भी उनकी गलती का ही एक हिस्सा है इन्होंने शायद बाय मिस्टेक लिख दिया होगा दिस लेटर वॉज पुटेना कवर विद अ कवरिंग लेटर एंड डिस्पैच्ड वो जो लेटर था वो कवरिंग लेटर के अंदर जो कवर होता है उसके उस लिफाफे में वापस रख देते हैं और भेज देते हैं डिस्पैच मतलब भेज देते हैं वापस द कवरिंग लेटर सेड और उस कवरिंग के ऊपर वो लिखते हैं वी आर वेरी सॉरी दैट यू सेंड मी समबडीज लेटर वो कहते हैं हमें वेरी हम बहुत सॉरी हैं इस चीज़ के लिए कि आपने हमें किसी और का लेटर भेज दिया है वी आर रिटर्निंग दिस समबडीज लेटर ये जिसका भी लेटर है वो हम आपको वापस दे रहे हैं प्लीज सेंड अवर थिंग्स इमिजिएटली और प्लीज जो भी हमारी चीजें हैं वो हमें जल्दी से भेज दीजिए द एम सी सी वर एन ऑप्टिमिस्टिक लॉट अब जो एम सी सी क्लब है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है इस चीज पे बहुत होपफुल होते हैं और कॉन्फिडेंटली इस चीज को वो लिखते हैं दो दे वर स्टिल अनऑनर्ड विद द रिप्लाई टू देयर आर सेकेंड लेटर दे एक्सपेक्टेड देयर गुड्स टू अराइव विद एवरी पोस्ट अब जो नेक्स्ट जो लेटर होता है उससे भी वो काफ़ी अनऑनर ऑनर्ड फील करते हैं और वो बस ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनके गुड्स आ जाएं जल्दी से जो भी उन्होंने सामान मंगाया है वो आ जाए आफ्टर टेन डेज दस दिन हो जाते हैं दे थॉट दे आउट टू स्टार्ट प्लेइंग विद वट एवर वॉज अवेलेबल तो दस दिन हो जाते हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि जो भी उनके पास इस वक्त है उससे वो अपनी जो प्रैक्टिस है उसको वो स्टार्ट करें टिल दे गॉट द रियल बैट्स जब तक उनको असली के अपने बैट्स नहीं आ जाते उनके द बॉटम ऑफ डील वुड डील वुड कहते हैं वुड ऑफ अ पाइन ट्री पाइन ट्री जो होता है पाइन ट्री जो होता है उसकी लकड़ी से बैट बनाया होता है उन्होंने मतलब उसका लकड़ी का फट्टा होता है एक तरीके से केस प्रोवाइडेड दैम विथ थ्री गुड बैट्स उससे उनके तीन वो गुड अच्छे 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 उसके बैट बना देते हैं एंड रानजम मैनेज टू गेट थ्री यूज टेनिस बॉल रानजम कहीं से तीन टेनिस बॉल ले आता है जो उसके फादर के क्लब की होती है द पी पी कौन है अब यहाँ पे द निक नेम ऑफ अ बॉय कॉल्ड सैमुअल एक बॉय है एक और फोर्थ बॉय जो आता है इसमें वो है सैमुअल जिसका निक नेम है पी अ क्लोज फ्रेंड एंड क्लासमेट ऑफ स्वामीनाथन जो स्वामीनाथन का क्लोज फ्रेंड है और उसके क्लासमेट भी है उसके क्लास में भी पढ़ता है उसके साथ वॉज देयर वो भी वहां होता है ऑफरिंग फोर रियल स्टम्स दैट ही बिलीव्ड ही हैड समेयर इन हिज हाउस और वो बोलता है कि मेरे घर पे स्टम्प मिल जाएंगे स्टम्प्स मतलब जो जिसकी विकेट बनाई जाती है जो जमीन में गाड़े जाते हैं मिट्टी में तो वो कहता है कि शायद वो मेरे घर में कहीं है तो वो कहता है कि मैं वो ले आऊँगा अ नीट स्लिप ऑफ ग्राउंड एड ज्वाइनिंग रानजम्स बंगलो और एक नीट सी स्लिप होती है ग्राउंड की स्लिप ऑफ ग्राउंड मतलब छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लाइक छोटा सा हिस्सा जमीन का वो एरिया होता है रंजम के बंगलो के पास में उसको पिच बना देते हैं पिच आप सब जानते हो जहाँ पे गेम वो खेली जाती है एवरीथिंग वाज रेडी सब कुछ रेडी होता है इवन इफ बिन्स टू का मंथ मोर टू मैन्युफैक्चर द गुड्स एस्पेशली फॉर द एमसीसी वो कहते हैं इवन चाहे जो बिन्स को एक महीना लग जाए उनके गुड्स बनाने का तब भी जो वो एम क्लब है एज दे फेंटली थॉट प्रोबेबल देयर नीड बी नो डिले इन स्टार्टिंग प्रैक्टिस मतलब उनको इतनी ज़रूरत नहीं होगी सामान की अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से छोटा मोटा कहीं से भी ये सामान इकट्ठा कर लिया था बाय द टाइम द रियल बैट्स एंड द बॉल्स अराइवड और जैसे ही वो जो जब तक वो जो रियल बैट्स हैं असली के बैट्स और बॉल्स नहीं आती दे वुड बी इन फॉर्म टू प्ले मैच वो उनको फॉर्म मतलब उनको फॉर्म में तो रहना ही है जिससे वो मैच खेल सके उन्हें प्रैक्टिस तो करनी थी चाहे उन पर समान ना हो रान जम हेड चोजन फ्राम हिज क्लास अफ यू हु He thought डिजर्व to become members of the MCC सी सी और जो रानझम होता है रानझम अपनी क्लास में से कुछ ऐसे बच्चों को सेलेक्ट कर लेता है जिनको देख के उसको लगता है कि वो उसके एम सी सी क्लब में आ सकते हैं क्रिकेट खेलने के लिए एट फाइव ओ क्लॉक ऑन द ओपनिंग डे और पाँच बजे जिस दिन स्टार्टिंग होती है इनकी गेम की द एम सी सी हैड असेंबल्ड पूरा जो ग्रुप होता है एम सी सी क्लब का वो इकट्ठा होता है ऑल एक्सेप्ट द पी सब लोग होते हैं बस वो पी नहीं होता जो सैमुअल था बॉय जो फॉर होम रानजम वॉज वेटिंग एन्शियसली जिसके लिए रानजम बहुत ज़्यादा बहुत बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहा था बिकॉज जो वो बॉय था वो बॉय विकेट्स लाने वाला था ही ही हैड प्रोम टू ब्रिंग द रियल स्टम्प्स क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो स्टम्प्स लेकर आएगा वही विकेट्स लेकर आएगा इट वॉज हाफ एन आवर पास टाइम एंड गेट ही वॉज नॉट टू बी सीन एनी वेयर और आधा घंटा हो जाता है और तब भी वो लड़का वो जो बॉय है वो नहीं दिखता कहीं भी एट लास्ट हिस्पनीिगर वॉज डिस्कवर्ड इन द डिस्टेंस और दूर से पनी फिगर मतलब हल्की सी बस धुंधली सी झलक उसकी नजर आती है दूर से एकदम से रंजम के हर्ट पे एकदम से वो होता है कि एकदम से उसको वो दिखता है वो लड़का ही his eyes to टू फाइंड आउट इफ दी had द थिंग्स अबाउट हिम और वो अपनी आँखों को ऐसे जोर डालता है अपनी आँखों पर और देखता है कि क्या वो वो ये देखने की कोशिश करता है कि क्या पी सच में वो सामान लेकर आ रहा है जो उसको बोला था जो स्टम्प्स बोले थे बट सिंस द लेटर वॉज कमिंग फ्राम द वेस्ट ही वॉज सीन इन द ब्लेज ऑफ द इवनिंग सन और जैसे कि वो जो पर्सन था वो जो लड़का था वो वेस्ट साइड से आ रहा था और जो सन की जो रोशनी थी सन सूरज की जो ब्लेस थे उस वक्त पाँच साढ़े पाँच बजे के आसपास सूरज डूब रहा होता है तो उस टाइम पर वो धुंधला नज़र आ रहा था ऑल द ट्वेल्व असेंबल्ड इन द फील्ड बारह के बारह लड़के फील्ड में इकट्ठे हो जाते हैं शेडेड डेयर आईज लोग अपनी आंखों को ऐसे झुका कर छोटी सी आंखें करके देखते है सम सेट दैट ही वॉज कैरिंग अ बंडल कुछ कहते हैं कि वो अपने साथ एक बंडल लेकर आ रहा है वैल सम थॉट दैट ही वॉज स्विंगिंग हिज हैंड फ्रीली और कुछ कहते हैं कि वो तो आराम से अपना हाथ हिलाते हुए आ रहा है कुछ नहीं है उसके हाथ में वेन ही हर आईड रान और जब वो आता है और रानजम पूछता है वाई डिडेंट यू टेलर दैट यू हैड एंड कॉट द स्टम्प्स वो कहता है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम स्टम्प्स नहीं लेकर आ रहे हो वो कहता है आई हैव स्टिल प्रोटेस्टेड द पी आई शैल ब्रिंग डैम टमोरो पी कहता है कि मुझे वो आ, मैं लेकर आऊँगा उन्हें लेकिन मैं उन्हें कल लेकर आऊँगा आई एम श्योर माई फादर आई एम श्योर दैट माई फादर नोज वेयर दे आर कैप्ट वो कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि मेरे पापा को तो पता ही होगा कि वो कहाँ रखे क्योंकि उसे मिल ही नहीं रहे होतेटिंग टिल नाउ वो कहते हैं तुमने हमें इतनी देर तक वेट करवाया वाई डिडेंट यू कम अर्लियर एंड टेलस कि तुम तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया हम तुम हम तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में सब उसको गुस्सा कर रहे होते हैं तो uh, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुमको वो मिले नहीं है आई टेल यू आई हैव बीन स्पेंडिंग आर्स लुकिंग वो कहते हैं मैंने तुम्हें बोला तो कि मैंने वहाँ इतने घंटे लगा दिए उसको ढूंढने में हर जगह हाउ गुड आई कम हेयर एंड टेल यू एंड एट द सेम टाइम सर्च वो कहते हैं एक मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ आके तुम्हें बता भी दूँ कि वो मुझे नहीं मिले और मैं वहाँ पर ढूंढता भी रहूँ एक टाइम पर मैं दोनों काम तो नहीं कर सकता ना अ क्लाउड डिसेंडेंट अपॉन द गैदरिंग फॉर Over 20 years, everyone among them had been dreaming of swinging a bat and throwing a ball. बॉल एकदम से उन सबके लाइक like उन सबके मन में ऐसी पिक्चर चल रही होती है कि हम लोग कितने आराम से खेल रहे होते बैट से बॉल से and they could have realized the dream, but for the peace wickedness, वो कहते हैं कि वो बस जो ड्रीम था जो उनका सपना था कि वो ऐसे बैट को स्विंग कर रहे होंगे ऐसे हिला रहे होंगे बॉल को ऐसे फेंक रहे होंगे ऐसे खेल रहे होंगे और ये सब कुछ खराब हो गया और किसकी वजह से हुआ पी की वजह से पी की बेवकूफी की वजह से एवरीबडी लुक हिम सॉर्डली हर कोई उसे गुस्से से देख रहा होता है ही वॉस आइसोलेटेड उसको अलग कर देते हैं ग्रुप से रानजम फेल्ट लाइक क्राइंग रानजम को तो बस रोना सा आ जाता है वेन ही सो द वुड प्लान्स एंड द टेनिस बॉल्स लाइंग यूजलेस ऑन द ग्राउंड और जब वो देखता है कि वो जो वुड के जो लकड़ी के उन्होंने फट्टे बनाए हुए होते हैं और जो टेनिस की बॉल्स बनाई होती है वो जमीन पे ऐसी बेकार से पड़े हुए हैं वट अ ग्लोरियस इवनिंग दे कुड हैव हैड इफ ओनली द स्टम्स हैड बीन ब्रॉड वो कहते हैं कितनी बढ़िया शाम होती कि वो खेल रहे होते बस स्टम अगर स्टम्स आ जाते लेकिन स्टम्स तो आए नहीं Amidst all ऑल दिस ग्लूम सम्बडी a रे ऑफ लाइट ग्लूम मतलब इतने दुख के बीच में ग्रुप में से एक लड़का एक लाइट एक रोशनी की तरह एक बात को बोलता है और सजेस्ट करता है दैट दे माइट यूज द कंपाउंड वॉल ऑफ रंजम बंगलो। और वो कहते हैं कि रंजम के बंगलो की ये जो आप देख रहे हो पीछे ग्रे से कलर की इस दीवार को वो यूज़ कर सकते हैं एज अ टेम्पररी विकेट और उस पर आप देख सकते हो उस पर उन्होंने ये ब्लैक कलर से विकेट बना दी पोर्शन ऑफ द बॉल वॉज मार्क्स ऑफ चार चारकोल मीन्स कोयले के टुकड़े से उस पर ऐसे निशान बना देते हैं विकेट के एंड कैप्टन अरेन्ज द फील्ड एंड ओपन द बैटिंग हिमसेल्फ और कैप्टन आता है और स्टार्टिंग uh, करता है गेम की बैटिंग के साथ बैटिंग करता है कैप्टन स्वामीनाथन टुक अप द बॉलिंग स्वामीनाथन बॉलिंग बॉलिंग करता है टेनिस बॉल इन हिज हैंड वो अपने हाथ में टेनिस की बॉल लेता है टूक अ फ्यू पे एंड थ्रू इट ओवर और कुछ कदम पीछे जाता है और बॉल फेंकता है uh, रानझम स्वांग द बैट बट मिस्ड इट और रानझम बैट को घुमाता है लेकिन वो बॉल मिस कर देता है द बॉल हिट द बॉल राइट अंडर द चाकोल मार्क और जहां पर उन्होंने वो चार कोल का जो उन्होंने कोयले से जो ब्लैक कलर की विकेट बनाई होती है उसके जस्ट नीचे उस मीन्स उस विकेट के ऊपर वो बॉल लग जाती है रानजम वाज बाउल्ड आउट विद द वेरी फर्स्ट बॉल और रानजम पहली बॉल पे हार जाता है देयर वॉज अ ग्रेट शाउट ऑफ जॉय सब लोग बहुत खुश होते हैं एंड द प्लेयर्स प्रेस्ड अराउंड स्वामीनाथन टू शेक हिम एंड पैट हिम ऑन द बैक और सब लोग उसको कमर पे ऐसे हाथ मार के ऐसे शबाशी देते हैं कि वाह तुमने तो हरा दिया रानजन को कैप्टन कोई। ही वॉज गिवन ऑन द वेरी स्पॉट द टाइटल और उसको वहीं पे एक टाइटल मिलता है टेट टेट कौन है टेट है 1895 से 1956 तक रहे फेमस इंग्लिश फास्ट बॉलर इंग्लिश फास्ट बॉलर थे वो सो दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम मालगुडी स्कूल डेज इनसे इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ है जो बहुत फेमस हैं आप अपनी इंग्लिश की बुक्स में आगे भी पढ़ेंगे और आप पहले से भी शायद पढ़ते आए हैं इसकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ सो दिस वॉज़ एट फॉर टुडे एंड ये भी है ये हम एक बार पढ़ लेते हैं रस्सीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण नाइनटीन सिक्स से टू थाउजेंड वन तक वॉज़ वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग नॉवलिस्ट इंडिया के बहुत बड़े नावलिस्ट में से एक रहे हैं नारायण फ़िक्शन इज रिच इन ह्यूमर इनकी जो फ़िक्शन थी फ़िक्शन मीन्स ऐसी स्टोरी जो रियली really में नहीं है जो रियालिटी में नहीं है सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है ये भी जो स्टोरीज़ हैं ये सारी इमेजिनेटिव स्टोरीज़ थी एनर्जी एंड सिम्पलिसिटी इनकी जो स्टोरीज थी ह्यूमर मज़ाक की होती है एनर्जी होती है उसमें सिम्पलिसिटी भी होती है लाइक like बहुत इजी सी स्टोरीज़ होती हैं ही क्रिएटेड द फिक्टिशियस टाउन ऑफ मालगुडी उन्होंने एक टाउन बनाया फिक्टिशियस जो रियल में नहीं है इमेजिनेशन में है बस कौन सी जगह बनाई मालगुडी मोस्ट ऑफ हिज अनफॉर्गेटेबल करेक्टर्स लिव इन हिज टाउन और ऐसे करेक्टर्स बनाए जो उस टाउन में रहते थे जैसे ये स्वामीनाथन पी रानजम ये सब सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स आर स्वामी एंड फ्रेंड्स और कुछ इनके काफ़ी जानी मानी स्टोरीज़ हैं जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स द बैचलर ऑफ आर्ट्स द इंग्लिश टीचर एंड द गाइड और काफी famous, famous ये इन्होंने काफ़ी फेमस फेमस इन्होंने ये स्टोरीज बनाई हैं सो दिस वॉज इट फॉर टुडे आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड हिट द लाइक बटन If you like this session and share it with your friends as well, and subscribe this channel for more videos. Thanks for today.